नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, इंडिया में गधों की कमी नहीं है। मैं इस गधे की बात नहीं कर रहा, इन गधों की बात कर रहा जो इंसानों के रूप में सड़कों पर घूम रहे हैं। अब इतना समझिए कि सड़क पर चलने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, वो भी इन भैया और दीदी लोगों को नहीं पता होती हैं। जैसे गाड़ी को अपने साइड में रखकर चलाना है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास बाइक, स्कूटी, कार, ट्रक कुछ भी है और उसे आप सड़क पर चला रहे हैं तो अपने साइड में रख कर ही चलाएंगे। ऐसा नहीं है डिवाइडर क्रॉस करके दूसरे लेन में घुस जाएंगे। और ये चीज़ गाड़ी चलाने वाले हर एक पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन सब कुछ जानकर ये दूसरों को प्रॉब्लम्स में डालते हैं। और आज ऐसे ही कुछ नमूने आपको इस वीडियो में भी दिख जाएंगे। ये पहला इंसिडेंट उत्तर प्रदेश से मिस्टर विकास गहलोत ने शेयर किया था, जिसका पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने स्कॉर्पियोन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट लिंक रोड से होते हुए जा रहे थे, तभी एक कंटेनर को ओवरटेक करते समय उनके सामने ये बाइक आ गई, जिसके बाद तुरंत इन्होंने कट मारकर बाइक वालों को बचाया। ये एक 6-लेन रोड है और बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की स्पीड भी करीब 100 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। आप सोच सकते हैं, इस स्पीड में गाड़ी अगर बाइक से लड़ती तो इन पर बैठे लोगों का कितना भयानक हाल हो जाता। इसके अलावा गाड़ी के आगे एक पिकअप भी चल रही है, इसलिए सामने का कुछ भी क्लियर नहीं है और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि 6-लेन रोड पर ऐसे ओवरटेकिंग वाले लेन में कोई अचानक से ऑपोजिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ सिचुएशन था। हालांकि वो तो कहिए बाइक वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि थोड़ा पहले से ये दिख गए और स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने स्टेयरिंग लेफ्ट मोड़ते हुए इन्हें बचा लिया। फिर भी टाइम बहुत कम था। वहीं आप देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो का भी एक्सीडेंट इस कंटेनर के साथ हो सकता था अगर गाड़ी थोड़ा और लेफ्ट चली गई होती तो, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई, इसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये भाई लोग अपने और दूसरों के जान से खिलवाड़ करते हैं ऐसे रॉन्ग साइड में चलकर। हालांकि हमेशा किस्मत साथ नहीं देती है। रिसेंट में कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये सीसीटीवी फुटेज शेयर किया था, जो गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे का है। यहाँ पर भी एक एक्टिवा से दो भाई लोग रॉन्ग साइड में आकर रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हाई स्पीड में आ रही स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दिया। अभी यह हाईवे है और नॉर्मल सी बात है, यहाँ गाड़ियाँ तेज रफ्तार में चलेंगी। हालांकि कट क्रॉसिंग्स पर इनकी स्पीड स्लो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ड्राइवर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ऐसे हाईवेज पर रॉन्ग साइड में कोई आ जाएगा, और यही वजह थी इस एक्सीडेंट की। टक्कर काफी जबरदस्त हुआ क्योंकि सामने बड़ी एसयूवी है और शायद इसमें स्कूटी राइडर की डेथ भी हो गई थी। खैर, ये तो हाईवेज के इंसिडेंट्स हैं। हालांकि सिटी के अंदर ये चीजें और भी ज्यादा होती हैं। लोग ट्रैफिक से बचने के चक्कर में अक्सर रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं, और ऐसा एक वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा जिसे दिल्ली से मिस्टर राजेश गोयल ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट भेरा इनक्लेव के पास हुआ है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं ऑब्जिट वाले लेन में एक लड़की अपने स्कूटी से रॉन्ग साइड में जा रही होती है, तभी सामने से कुछ बाइक्स आ जाती हैं और उन्हीं में से एक की टक्कर इनसे हो जाती है, जिसके बाद राइडर बाइक के साथ ही अनकंट्रोल होकर सड़क पर गिर जाते हैं। लड़की रॉन्ग साइड में है और इसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में दौड़ा रही है। पहले तो ये रोड के बीचों बीच चल रही थी, फिर बाद में एक्सट्रीम लेफ्ट में चली गई है, और सामने भाई भी एक ई रिक्शा को ओवरटेक करते हुए आगे निकल रहे थे, इसलिए उन्हें भी पहले से दिखा नहीं और बचते बचाते एक्सीडेंट हो गया। खैर, भाई बाइक से काफी तेजी में नीचे गिर रहे हैं और इन्हें इंजरीज भी आ गई होंगी। वहीं राजेश जी ने बताया कि लड़की वापस मुड़कर नहीं आई, ये स्पॉट से तुरंत निकल गई। हालांकि डैश कैम में ये रुकते हुए और पीछे घूम कर देखते हुए दिखाई पड़ रही है, हो सकता है ये बाद में निकल गई हो। जो भी हो, ऐसे लोगों पर पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट इनका लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं है तो लाइसेंस किस बात का मिला है इन्हें। बाकी आप सभी थोड़ा ध्यान रखिए और ऐसी गलती कभी मत करिए जिससे आपको और दूसरों को नुकसान पहुंचे।